खालिद और यहाँ तक कि तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत। हम यहाँ पूना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो करके उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे किसान मजदूर एक्सप्रेसवे बना उसके किनारे मंडी बना रहे हैं। मैं इस मौके पर किसानों का भी धन्यवाद दूंगा कि जब एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ पूरे किसानों ने हमारी मदद की और कहीं भी एक जगह भी आंदोलन नहीं हुआ, लाठी चलानी पड़ी, किसानों ने हमारी मदद कर करके पूरी की पूरी जमीन दे दी। आगे जो गाजीपुर जा रहा हूँ उन किसानों का भी धन्यवाद देंगे कि अभी तक कहीं भी शिकायत नहीं है, चार गुना पैसा सर्वे रेट का दे रहे हैं और आपसी समझौते से 40% जमीन ले चुके हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी और हम आपको बताने में खुशी भी है कि हो सकता है 22 तारीख को हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी जो सड़क आगरा और दिल्ली से चलकर के लखनऊ तक आई है यही सड़क हम गाजीपुर और बलिया तक ले जाना चाहते हैं और इसलिए ले जाना चाहते हैं कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे गांव जुड़ेंगे, शहर जुड़ेंगे और सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को मिलेगा तो हमारे गांव में रहने वाले किसानों को लाभ पहुंचेगा इसके माध्यम से, क्योंकि इसके किनारे मंडी बनाए, दूध का उत्पादन भी बढ़ाया। इतना किसी प्रदेश ने दूध का उत्पादन नहीं बढ़ाया हुआ जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी योजनाएं चला करके मदद कर करके उत्पादन बढ़ाया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में अमूल जैसा प्लांट आ रहा है। दो प्लांट लगकर के तैयार हो गए, मदर डेयरी का भी प्लांट चालू हो गया जहाँ खेती से किसान को लाभ पहुंचाया जा सकता है। वही अगर डेयरी को और बढ़ावा दिया जाए तो उससे भी हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। इसीलिए अमूल और पराग को हम लोगों ने बेहतर करने का काम किया। हमें खुशी है इस बात की कि जैसे जैसे बाजार बदला है, चीजें बदली हैं, बाबा रामदेव योग के बाद सीधा सीधा उन चीजों में उतर आए जो बड़ा काम किया उन्होंने, दुनिया की बड़ी कंपनियों को पीछे करना शुरू कर दिया उन्होंने। सुनने में आ रहा है कि आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के बराबर उनका टर्नओवर पहुंचा जा रहा है और सबसे बेहतर काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर आप इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाजवादी सरकार अपनी पॉलिसी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपका भी सहयोग करेंगे। और 400 एकड़ उन्होंने जमीन दी है यमुना एक्सप्रेस के पास, जिससे कि आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग से तमाम इंतजाम करेंगे जिससे सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचे। हम तो कहते हैं ऐसे जितने लोग भी आना चाहते हैं जो किसान से जुड़े हुए कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनका जरूर समाजवादी पार्टी और समाजवादी योजनाओं के माध्यम से सहयोग होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। इसे इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतना कह सकता हूँ कि काम के मामले में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये दूसरे दल है, हम तो उनसे पूछते हैं कि 2 साल, 2.5 साल, 2.5 साल में कौन सा काम किया है जिससे सीधा किसानों को लाभ पहुंचा हो। अगर कोई योजना हो उनके पास जो लागू की हो या इतने बड़े पैमाने पर कहीं उद्घाटन किया हो तो बता दो। कम से कम समाजवादी लोग उद्घाटन के मामले में भी और दलों से बहुत आगे हैं। यहाँ तक पत्थर वाली सरकार का सवाल है, सरकार का पूरा पैसा उन्होंने पत्थर और मूर्तियों में लगा दिया, स्मारक बनाने में लगा दिया था और लखनऊ में ऐसे ऐसे हाथी लगाए हैं जो 9 साल से अभी तक बढ़े नहीं, 1 इंच भी अगर आगे बढ़े होते जो हाथी बैठा था बैठा ही है, जो खड़ा खड़ा ही है, आज तक बैठा हुआ हाथी खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला बैठा नहीं। और दूसरी पार्टी एक और जो काले धन और वाली बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं, बोलो नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो किसानों का हुआ। ये भी फैलाया जा रहा है कि नहीं आने वाले समय में आपको लाभ पहुंचेगा, ये तो अमीरों का पैसा चला गया। इसलिए गरीब भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों, गांव के रहने वाले लोग, ये पैसा काला और सफेद नहीं होता। अगर कुछ होता है काला सफेद तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कोई पैसा हम पे आया हमने टैक्स दे दिया वो सफेद हो गया, सफेद पैसा कमाया हमने टैक्स नहीं दिया था वो काला हो गया और कैसी बहस में पूरे के पूरे देश को फंसा दिया।
पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक की सीमा पर, और आंकड़े बताते हैं कि 2 साल में सबसे ज्यादा जवानों की अगर कहीं शहीद हुए तो आपके 2 साल के अंदर शहीद हो गए। और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी थी जैसे पूरा का पूरा देश लाइन में लग करके खड़ा हो गया और पैसा नहीं मिल पा रहा। सुनने में आया गया उत्तर प्रदेश में चुनाव तो सबसे ज्यादा पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, जो व्यवस्था वो खराब हुई है, उसका नुकसान का आंकड़ा आकलन आप और हम नहीं कर सकते। आकलन करेंगे तो बहुत पीछे चला गया हमारा प्रदेश देश। इस मौके पर आपको बधाई देते हैं, कार्यक्रम बहुत है, लखनऊ के उद्घाटन आज हम करे दे रहे हैं, कल कुछ हमारे साथियों ने और अपने जिले स्तर पर भी किया था। काम के आधार पर आपकी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसी तेजी से लेकिन तहसील स्तर पर जरूर बनने चाहिए, जिससे हम किसानों को सीधे सीधे सुविधा पहुंचा सकें। आने वाले समय में घोषणा पत्र में कम से कम हम शामिल करेंगे कि हमारा तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे भी इसी तरह के किसान बाजार बने, चाहे इतने बड़े ना बने लेकिन इसी रूप में बने, जिससे हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आए तमाम किसान भाइयों का मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस उम्मीद और भरोसे के साथ आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी सरकार लौटेगी, ना ये 5 मांगे हम विचार कर लेंगे, क्या क्या मदद कर सकते हैं इसमें हम शामिल करेंगे।